हमारा स्टोरी वहीं से शुरू होता है जहां पार्ट वन खत्म हुआ था, जिसके बाद इधर शेंगमा के टीम मेंबर उसे पूछते हैं, अब बताओ तुम दोनों इतना क्लोज कैसे हुए। जहां वो कहती है, हम लोग इतने क्लोज नहीं है, बस वो तो एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हमारा बात हो रहा था। और ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने डॉर्मेट्री के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर शाओशिंग उसे दिखाती है कि जस्ट छांग ने उनके कॉलेज के बाहर का एक पिक्चर अपलोड करके ये मेंशन करा है कि यहाँ मैंने एक लड़की को गुजरते देखा और मुझे एक गाना याद आ गया। अब इधर उसकी फ्रेंड उसे टीज करती है कि इस सॉन्ग में तो तुम्हारा नाम भी आ रहा है। वही उधर वे सब भी छांग को टीज करने में पीछे नहीं रहते हैं। इसके बाद जुमे छांग से पूछता है, क्या तुम सेंगमा को लेकर सीरियस हो? छांग कहता है, तुम्हें तो आंसर पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो। नेक्स्ट सीन, शेंगमा अपने कजन के शॉप पर थी, जहां दो लेडी आपस में डॉक्टर छांग के बारे काफी तारीफ कर रही थी, जिसे सुनकर शेंगमा काफी खुश हुए जा रही थी। यहां वो लड़की पूछती है, अभी तुम्हारा कजन आएगा तो क्या तुम चली जाओगी? जहां वो कहती है, हाँ आज शाम मैंने मूवी देखने का प्लानिंग करा है। वो पूछती है, किसके साथ? शेंगमा कहती है, अकेले। और तभी वहाँ छांग आता है। अब यहाँ छांग के कुछ बोलने से पहले शेंगमा कहती है, मुझे पता है इसे क्या चाहिए। और छांग से कहती है, अगर तुम कुछ बोलोगे तो वो पहचान लेगी कि तुम्हें छांग हो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। फिर पूछती है, क्या तुम्हें ड्रिंक के अलावा कुछ और भी लेना है? छांग कहता है, हाँ लंच बॉक्स, तुम्हारे शॉप का लंच बॉक्स मुझे काफी अच्छा लगता है। शेंगमा बताती है, ये मेरी मम्मी खुद अपने हाथों से बनाती है। फिर वो शॉप जाकर लंच बॉक्स और ढेर सारा स्नैक्स लेती है, जहाँ वो लड़की कहती है, वैसा लड़का काफी हैंडसम है। शेंगमा कहती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अब वो निकल ही रही थी कि उसका कजन आ जाता है। किसी तरह छुपते छुपाते वो छांग के पास जाती है। छांग कहता है, अगर तुम अभी फ्री हो तो साथ में कॉफी पी सकते हैं। वैसे शेंगमा तो मूवी का प्लानिंग की थी, पर छांग के साथ कॉफी पीने चली जाती है। और इधर वे दोनों उन्हें देखकर सोचते हैं, पक्का शेंगमा उस डॉक्टर को डेट कर रही है। इसके बाद छांग पूछता है, क्या आज रात तुम शॉप पर ही रुकोगे? इस पर वो हाँ कहती है, क्योंकि वो जानती थी छांग भी रात में शॉप पर आएगा ही। और रात में वो आता भी है, जिससे शेंगमा काफी खुश होती है। और यहाँ भी वो कुछ न बोले, इसलिए शेंगमा उसका जरूरत का सामान ला देती है। ये देखकर वो लड़की सोचती है, ये तो गजब की जलसे वाली लड़की है, अपने बंदे को दूसरी लड़की से बात करने तक नहीं दे रही है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ शेंगमा सोचती है, क्या छांग मुझे लाइक करता है? फिर अपने डॉगी से कहती है, नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। नेक्स्ट डे वो अपने कैंपस रिटर्न जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है। तब उसे याद आ जाता है कि छांग को वैलेंटाइन डे पर एक गाना अपने फैंस के लिए रिलीज करना था। ये बात करने के लिए वो छांग को मैसेज करती है, पर उससे पहले छांग उसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एग्जीबिशन में जाना पसंद करोगी? शेंगमा भी खुश होकर हाँ कह देती है। छांग कहता है, ठीक है फिर हम लोग संडे को चलेंगे। अब शेंगमा देखती है कि संडे तो वैलेंटाइन डे है, और वो काफी ब्लस किए जाती है। दूसरी तरफ स्टूडियो की मैनेजर जुमे से कहती है, शाओशिंग के साथ कोलैबोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पर हमें उसका सिग्नेचर चाहिए, तो ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। फिर जुमे शाओशिंग को इन्फॉर्म करता है, जहाँ वो संडे को मिलने कहती है। इस पर जुमे भी एग्री कर जाता है, पर बाद में देखता है कि संडे तो वैलेंटाइन डे है। वहीं दूसरी तरफ उनकी रूममेट शाओशिंग को बताती है कि शेंगमा छांग के साथ इस संडे वैलेंटाइन डे पर बाहर जा रही है। ये सुनकर शाओशिंग को अपना गलती रियलाइज होता है कि उसने भी गलत डे पर मीटिंग फिक्स कर लिया है। अगले दिन वांग की और फैंग अपने सिंगलनेस पर अपने आप को खुश रहने का तसल्ली दे रहे थे। अब वैलेंटाइन डे आता है, जहाँ छांग शेंगमा को पिकअप करने जाता है। यहाँ शेंगमा के एक सीनियर से उसे पता चलता है कि छांग भी इसी कॉलेज से पास आउट है। फिर वे जाने लगते हैं, जहाँ वो वैलेंटाइन पर इस तरह छांग के साथ काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वही स्टूडियो में सारे सिंगल मिलकर गेम खेल रहे थे, जबकि इधर छांग शेंगमा को लेकर एक जगह जाता है और बताता है, ये मेरा रेसिडेंशियल एरिया है, और उसे अपना मोबाइल नंबर भी मांगता है, जहाँ शेंगमा भी दे देती है। फिर वे एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ छांग का एक फ्रेंड छांग को देखकर उसके पास आता है। तभी भीड़ के वजह से शेंगमा को धक्का लगता है, पर छांग उसे संभाल लेता है। यह देख उसका फ्रेंड कहता है, तो ये शेंगमा है, और छांग को टीज करता है। दूसरी तरफ शाओशिंग भी जुमे से मिलने जाती है, और दूसरे कपल को देखकर काफी ऑकवर्ड फील करती है। वही जुमे भी बड़ा अनकंफर्टेबल सा वेट कर रहा था, तभी उसकी एक फैन आकर उसे उसका ऑटोग्राफ मांगती है, और जुमे को लगता है ये लड़की ही शाओशिंग है। वही शाओशिंग तो दूसरे टेबल पर बैठकर उन्हें देखकर हंस रही थी। फिर वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, और डोंट वरी, मैं ये लीक नहीं करूंगी कि तुम अपने जीएफ का वेट कर रहे हो। जुमे कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट नहीं कर रहा। फिर वो लड़की चली जाती है। इसके बाद शाओशिंग उसे मिलती है। वही उधर छांग और शेंगमा एग्जीबिशन एंजॉय कर रहे थे, जहाँ छांग उसे अपने एक और फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है।
यहाँ सेंगमा उनके साथ फोटो खिंचाती है एंड उनका ऑटोग्राफ भी लेती है। चांग का एक फ्रेंड कहता है, जनरली तुम कभी भी कोई लड़की को घुमाने नहीं ले जाते हो, फिर आज सूरज कहाँ से निकला है। दूसरी तरफ जू में शाओशिंग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है, जहाँ वो क्लियर करती है कि मुझे नहीं पता था आज वैलेंटाइन डे है। जू में कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि आज वैलेंटाइन डे है। इधर सेंगमा खुश हो जाती है कि ये किसी डेट से कम नहीं लग रहा। तभी चांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए वे दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ चांग अपने अंकल से भिटा जाता है। अब अंकल जी को लगता है कि सेंगमा चांग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वे चांग से कहते हैं कभी अपनी गर्लफ्रेंड को भी घर ले आया करना, और वो जल्दी में थे तो चले जाते हैं। इधर चांग भी सेंगमा को शॉप तक छोड़े रखता है, और यहाँ सेंगमा चांग के छोटे छोटे केयरिंग मोमेंट से काफी ब्लश कर जाती है और शॉप आकर भी चांग के बारे ही सोचे जाती है। तभी वो लड़की वैसे इसका नाम इरू है, तो इरू सेंगमा से पूछती है, क्या तुम ही फेमस डबिंग एक्टर चांग की फेवरेट वॉयस हो। यहाँ सेंगमा अपना ऑनलाइन आइडेंटिटी छुपाने का कोशिश करती है, बट इरू समझ जाती है कि यही सिंगर सेंगमा है। सेंगमा पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला, जहाँ इरू कहती है, चांग के एक फ्रेंड ने तुम्हारा और चांग का ब्लैक ब्लड फोटो पोस्ट करके तुम दोनों का मेंशन करा था, तो मुझे देखकर डाउट हो रहा था कि पिक वाले लड़की तुम ही हो सकती हो, एंड आई वाज राइट, तुम ही सिंगर सेंगमा हो। वैसे डोंट वरी, मैं ये बात रिवील नहीं करूंगी। फिर पूछती है, लेकिन वो सामने वाला डॉक्टर का क्या इंटेंशन है, कहीं वो तुम्हारे और मेरे आइडल के बीच कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहा। सेंगमा कहती है, नहीं, वो बस मेरा सीनियर है। दूसरी तरफ जुमे भी शाओशिंग को डॉर्मेट्री तक छोड़ रखता है। नेक्स्ट दिन सेंगमा घर आती है, जहाँ उसकी मम्मी बताती है उसके दादाजी बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो उन्हें विजिट करने जाने वाली है। सेंगमा को जब पता चलता है कि दादाजी चांग के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो भी अपनी मम्मी के साथ जाती है, और वहाँ चांग उसे देखकर पूछता है, यहाँ क्यों हो। सेंगमा बताती है, मेरे दादाजी एडमिट है। चांग भी बताता है, मैं कार्डियक डिपार्टमेंट में हूँ। अब क्योंकि वो हॉस्पिटल वर्क में बिजी था, तो दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, और रात तक सेंगमा भी घर आ जाती है और चांग को मैसेज करती है। चांग भी फ्री होकर उसे कॉल करता है, और फिर वे वैलेंटाइन डे पर रिलीज करने वाले सॉन्ग के बारे डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ हम चांग के पास एक लेडी डॉक्टर को आटा देखते हैं, जो कि हमें बाद में पता चलेगा कि ये कौन है। अगले दिन चांग रेस्ट कर रहा था, जहाँ वो लेडी डॉक्टर फिर आकर चांग से कहती है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर रखोगे। चांग कहता है, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, तुम खुद चली जाना। इसके बाद चांग को जो सॉन्ग रिलीज करना था वो ना करके वो सेंगमा का सजेस्ट किया हुआ दूसरा सॉन्ग रिलीज करता है, जिस पर ढेर सारा कमेंट आने लगता है, और यहाँ एक कमेंट लिंगलोंग का भी था, जो कि सेंगमा को टारगेट कर रही थी। इधर उसके कमेंट पर वेंग कहता है, तो लिंगलोंग अंडरग्राउंड नहीं है, वो तो चांग पर सीक्रेटली नजर रख रही है। वांगकी कहता है, अब तो चांग ट्रबल में पड़ने वाला है, ये लव ट्रायंगल स्टार्ट हो ही गया समझ लो। और यहाँ फैंग लिंगलोंग एंड चांग के रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, जबकि वांगकी सेंगमा और चांग के रिलेशनशिप को। अगले दिन चांग घर के लिए निकल रहा था, तो वो उस डॉक्टर को भी लिफ्ट दे देता है, जहाँ वो सेंगमा को मैसेज करती है कि मैं एक न्यू सॉन्ग रिलीज करना चाहती हूँ, क्या तुम उसे कंपोज करना चाहोगी। और यहाँ भी पता चलता है कि लिंगलोंग यही लेडी डॉक्टर है। लिंगलोंग चांग से कहती है, कल अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं, बट वो मना करता है कि मैं कल फ्री नहीं हूँ। वही बात में वो खुद सेंगमा से पूछता है, अगर कल तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। सेंगमा भी खुश होकर एग्री हो जाती है। फिर चांग उसे एड्रेस सेंड करता है, जो कि किसी रेस्टोरेंट का नहीं बल्कि उसके घर का था। अगले दिन वो स्टूडियो के बाकी मेंबर को भी कल डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करता है, ताकि सेंगमा अनकंफर्टेबल फील न करे। इसके बाद चांग नोटिस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर से साइन कराकर आने के बाद जुमे का मूड भी काफी हैप्पी हैप्पी है। दूसरी तरफ सेंगमा अपनी मम्मी को बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड का घर जा रही है, और जब वो चांग का घर पहुंचती है तो सबको देखकर काफी खुश होती है। सब उसे टीज करते हैं कि हमारे साथ गेम खेलना है या चांग को कुकिंग करते हुए देखना है, जहाँ सेंगमा उसके साथ किचन चली जाती है। सब उन्हें फिर टीज करते हैं, तो चांग दरवाजा बंद कर देता है। वही सेंगमा अपने और चांग के लिए ड्रिंक रेडी करती है, पर चांग का हाथ खाली नहीं था तो वो खुद अपने हाथों से उसे पिला देती है। फिर यहाँ चांग उसे सिखाते जाता है कि खाना कैसे बनाते हैं, और ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, तो सब रेयरली ही फैमिली डिनर साथ में कर पाते हैं। और यहाँ चांग उसे प्रपोज भी करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। सेंगमा पूछती है, क्या हमारा मैच परफेक्ट रहेगा। चांग कहता है, अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तब वे सेंगमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी जुमे भी चांग का हेल्प करने आता है। यहाँ टीम मैनेजर सेंगमा का तारीफ करती है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, गाना कंपोज भी करती हो और अरेंज भी, इवन गाती भी हो।
वांकी और फैंग कहता है कितना अच्छा होगा अगर तुम हमारा स्टूडियो ज्वाइन करोगे। शेंगमा कहती है नहीं, मैं अपने क्लब मेंबर के साथ काफी क्लोज हूँ। फिर वे डिनर स्टार्ट करते हैं जहाँ उन दोनों का लबी डबी सीन देखकर बाकी सब उन्हें काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद छांग शेंगमा को बताता है मेरा रात में एक ऑनलाइन इवेंट है तो उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्मेटरी तक छोड़ रखता हूँ। अब क्योंकि ट्रैफिक वगैरह से लेट न हो जाए इसलिए वे मेट्रो लेते हैं जहाँ काफी भीड़ होने की वजह से वे एक दूसरे से काफी क्लोज थे। इस वजह से दोनों का हार्ट बीट बस तेज हुए जा रहा था। यहाँ छांग उससे पूछता है तुम मेरा वॉयस एल्बम कब से सुन रही हो, जहाँ वो कहती है जूनियर हाई स्कूल से। छांग कहता है तब तो हम लोग एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। दूसरी तरफ जू में परेशान था कि शाओशिंग उसे कुछ और मैसेज क्यों नहीं कर रही। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कुछ फ्रूट्स का फोटो खींचकर उसे सेंड करता है। अब दोनों एक दूसरे से बात करना तो चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। इधर सब जूमे को नोटिस करते हैं कि भाई ये इतना परेशान क्यों है। वांकी कहता है कहीं सिंगल है इस वजह से तो नहीं है। वह जूमे किसी तरह हिम्मत करके शाओशिंग को कल मिलने बोलता है। ये मैसेज देखकर वो काफी खुश होकर एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों एक और स्टेशन पहुंचते हैं जहां पैसेंजर उतरते कम है चढ़ते ज्यादा है। इससे वे दोनों और इतना क्लोज हो जाते हैं कि उनके बीच का गैप लगभग ना के बराबर हो जाता है। शेंगमा सोचती है हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने 2 घंटा भी नहीं हुआ है और हम इतने क्लोज हैं। वो छांग से पूछती है क्या तुम इवेंट में लेट नहीं होगे। छांग कहता है डोंट वरी मैं स्टॉपेज तक साथ जाऊंगा फिर तुम चली जाना बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्मेटरी तक छोड़ रखूंगा। इसके बाद शेंगमा का स्टॉपेज आ जाता है और वो अपने डॉर्मेटरी चली जाती है जहाँ वो और शाओशिंग दोनों अपने लव लाइफ ख्यालों में डूबी हुई थी। उनकी रूममेट आकर दोनों से पूछती है क्या हो गया है तुम दोनों को, दोनों को याद भी है या नहीं वॉइस डबिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और फिर वे सब प्रोग्राम देखने बैठ जाती है जिसमें 5 जजेज में जूमई और छांग भी था लेकिन हमेशा की तरह छांग अपना फेस रिवील नहीं करता है। वही शाओशिंग जूमे को देखकर खुश हुए जा रहे थे। यहाँ जूमे से गलती से एक लबी डबी इमोजी सेंड हो जाता है इसलिए वो सॉरी कहता है जहाँ वो कहती है कोई बात नहीं। इधर उनकी रूममेट कहती है लगता है जूमे की कोई गर्लफ्रेंड है उसका ध्यान तो उसके मोबाइल पर ही है। यह सुनकर शाओशिंग ब्लश करे जाती है। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है और बारी बारी कर सारे कंटेस्टेंट अपना डबिंग परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं जहाँ सभी जज एंड छांग सबको और अच्छा करने का मोटिवेट करते हैं। इधर शेंगमा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि छांग एक डॉक्टर भी है। ये सुनकर एक फ्रेंड उसे टीज करती है कि तुम कब से हमसे बात छुपाने लग गए, मैं और शाओशिंग तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। ये सुनकर शाओशिंग का फेस देखने लायक बनता है क्योंकि फिलहाल वो खुद अपना और जुमे का केमिस्ट्री उनसे छुपा रही थी। वही उधर प्रोग्राम खत्म होने से पहले फैंस को एक सरप्राइज दिया जाता है और सरप्राइज ये था कि सभी फेमस सिंगर एंड छांग लाइव परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं जहां हम लिंग लॉन्ग और वांकी को भी देखते हैं। फिर प्रोग्राम एंड होता है जिसके बाद शेंगमा छांग को मैसेज करती है क्या तुम फ्री हो, वो रिप्लाई करता है अभी तो नहीं बट फ्री होकर कॉल करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जू में शाओशिंग के पास जाता है लेकिन आज वो अपने पी एग्जाम के लिए लेट हो रही थी तो जू में उसे फील्ड तक ड्रॉप कर रखता है। इवन वो उसका एग्जाम खत्म होने का वेट भी करने लगता है। वही शेंगमा अपने क्लास में थी जहाँ छांग उसे मैसेज करता है क्या आज रात साथ में डिनर करोगे, जहाँ वो कहती है नहीं आज मेरा क्लास है तो मुझे लेट होगा। और हम देखते हैं छांग तो उसके पीछे में आकर बैठ जाता है और कहता है अच्छा। अब उसे यह देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। छांग कहता है आज कोई काम नहीं था तो तुमसे मिलने आ गया। शेंगमा सोचती है अच्छा है ये ऑप्शनल क्लास है कोई किसी को पहचानता नहीं है। वही उधर शाओशिंग का एग्जाम ओवर होता है जहां उसके टीचर कहते हैं अब तुम जा सकती हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। शाओशिंग कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और जुमे के पास जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगती है जहां वो कहता है पेपर तो कार में है। एक्चुअली दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे बट कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ शेंगमा के क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट को मूवी दिखाता है जहाँ एक स्टूडेंट कहता है मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं अपना सीट चेंज कर सकता हूँ। इस पर टीचर भी कहता है जिनको अपना सीट चेंज करना है वो कर सकता है और छांग इस मौके का फायदा उठाकर शेंगमा के पास बैठ जाता है। क्लास ओवर होने के बाद वो शेंगमा से पूछता है आजकल बिजी हो क्या मैसेज नहीं करती हो। शेंगमा कहती है नहीं बट समझ नहीं आता है क्या मैसेज करूं। छांग कहता है कुछ भी कर सकती हो कभी भी कर सकती हो। फिर शेंगमा उसे अपने कॉलेज का कैंटीन ले जाती है जहाँ का चिकन काफी फेमस था। यहाँ बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि दोनों ने इससे पहले कभी किसी को डेट नहीं करा था इससे दोनों ही काफी खुश होते हैं। फिर वे कैंटीन से निकलते हैं जहाँ शेंगमा को याद आता है कि आज उसका स्टूडियो साफ करने का बारी है। छांग कहता है मैं भी तुम्हारा स्टूडियो जाऊंगा वैसे भी आज मैं फ्री हूँ। तो शेंगमा भी उसे अपना स्टूडियो ले जाती है
पर यहाँ वो देखती है कि उनका एक टीम मेंबर तो यहीं सो रहा है। सेंगमा कहती है अपना ओरिजिनल वॉइस नहीं निकालना वरना ये पहचान लेगा। अब इधर वो छांग को देखकर पूछता है ये कौन है, जहाँ सेंगमा बताती है फ्रेंड है। फिर वो अकेले में सेंगमा को समझाता है कि मेरा आइडल, हम सबका आइडल तुम्हें अप्रोच करने में लगा हुआ है और तुम किसी और से फ्लर्टिंग करने में बिजी हो। मेरा विश्वास करो, छांग काफी अच्छा बंदा है और वैसे भी ये बंदा कुछ सही नहीं लग रहा। सेंगमा कहती है हम दोस्त है बस, तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। फिर वो देखती है छांग भी उसका स्टूडियो साफ करने में हेल्प कर रहा है और तब तक वहाँ बाकी मेंबर भी पहुँच जाते हैं। वो लड़का बताता है कि ये सेंगमा का फ्रेंड है। टीम लीडर कहती है अरे भाई हम अपने गेस्ट को कैसे काम करने दे सकते हैं, चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं। सेंगमा कहती है पर आज मेरा टर्न है। टीम मेंबर कहते हैं तो क्या हुआ, तुम भी तो सबका हेल्प करती हो। एक कहता है क्यों ना तुम्हारे कैंटीन कार्ड का यूज करके चिकन खाया जाए, जहाँ वो बताती है चिकन खत्म है। तब छांग कहता है मैं बना सकता हूँ। इस पर सब एग्री हो जाते हैं, इसलिए तीनों गर्ल सफाई करती है और तब तक दोनों बॉयज मार्केटिंग करने चले जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों सेंगमा से पूछती है कि आखिर ये हैंडसम कौन है, क्या ये तुम्हें अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है या फिर तुम दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, पर तुम्हारा सीक्रेट क्रश का क्या। इस पर सेंगमा स्माइल करना ही बेटर समझती है। वही उधर वो लड़का छांग से कहता है मुझे पता है यहाँ तुम किस इंटेंशन से आए थे, आफ्टर ऑल मैं भी एक लड़का हूँ, बट सेंगमा को अप्रोच करना मुश्किल है। फेमस डबिंग एक्टर छांग भी उसे अप्रोच कर रहा है और तुमसे ज्यादा उसके साथ सेंगमा का मैच परफेक्ट है। तो तुम करते क्या हो, छांग कहता है मैं डॉक्टर हूँ। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी गुजर रही थी तो छांग उसे उसके घर तक जाने में हेल्प करता है। ये देख सेंगमा का टीम मेंबर सोचता है वैसे ये डॉक्टर दिल का साफ है, हैंडसम है, कुकिंग भी जानता है। मैं छांग का फैन तो हूँ लेकिन सेंगमा जिसे चूज करेगी वो बेटर ही होगा। अगले दिन छांग डिनर रेडी करता है जहाँ वे सब डिस्कस करते हैं कि सेंगमा का क्रश तो छांग था, फिर ये इस डॉक्टर से कैसे फंस गई। टीम लीडर कहती है सेंगमा तो दो दो बॉयफ्रेंड घुमाने वाली लड़की भी नहीं है, कुछ मिसिंग ऐसा लग रहा है, लेकिन वे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इसके बाद सब डिनर करते हैं जहाँ सब छांग का बनाया खाना का काफी तारीफ करते हैं। एक टीम मेंबर कहता है कितना अच्छा होगा अगर तुम यहाँ आकर इसी तरह हमारे लिए डिलीशियस फूड बनाया करोगे। छांग कहता है मैं काफी बिजी रहता हूँ पर जब भी फ्री रहूंगा आता रहूंगा। इसके बाद बाहर जोरों का बारिश हो रहा था तो वे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ सब उन दोनों को ही टारगेट करके उनके लव स्टोरी का क्वेश्चन करे जाते हैं कि तुम दोनों कहाँ मिले, किसने पहले प्रपोज किया, अब तक से दोनों के बीच किसिंग हुआ है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वे छांग को कोई एक गाना गाने कहते हैं और वो गाकर सुनाता भी है। अब छांग को निकलना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में उसका अर्ली शिफ्ट था। उसके साथ सेंगमा एंड एक और टीम मेंबर साथ निकलती है, जहां सेंगमा अपना अम्ब्रेला छांग को देती है और वो अपनी टीम मेंबर के साथ उसका अम्ब्रेला शेयर करती है। यहां वो सेंगमा से पूछती है तुम लोगों का रिलेशनशिप अजीब है, अब तक से अम्ब्रेला शेयर नहीं करते हो। सेंगमा कहती है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके बाद छांग सेंगमा से कहता है तुम अपने दोस्तों को बता सकती हो कि मैं ही छांग हूँ। सेंगमा कहती है तुम अपना फेस रिवील नहीं करते हो और क्या पता मेरे बताने के बाद हमारा रिलेशनशिप का एंडिंग ब्रेकअप से हो जाए, इसलिए जितना कम लोग तुम्हें जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। छांग कहता है चाहे मैं ऑनलाइन वाला छांग रहूं या ऑफलाइन वाला डॉक्टर, मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हूं, इसलिए ब्रेकअप से पहले ब्रेकअप के बारे नहीं सोचो। फिर छांग हॉस्पिटल चला जाता है। वही इधर उसकी टीम मेंबर कहती है लगता है तुम्हारा क्रश हार गया, तुम तो इस डॉक्टर को लेकर काफी सीरियस हो। दूसरी तरफ जुमेई और शाओचिंग को दिखाया जाता है जहां वो जुमेई के साथ उसके डॉर्मेट्री के बाहर थी। यहां दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था इसलिए दोनों ही बाहर बारिश का एक्सक्यूज दे रहे थे। यहां शाओचिंग जुमेई से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे बंदे से मिली जो अपना कैपेबिलिटी का तारीफ खुद कर रहा था। फिर वो सेंगमा को आता देखती है तो उसके साथ डॉर्मेट्री आ जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा भीड़ था, इस वजह से आगे चेकिंग कराने के लिए कुछ पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे थे, जहां छांग उन्हें समझा बुझाकर शांत करता है। वहीं उधर सेंगमा भी अपने रूममेट्स को बता देती है कि अब वो रिलेशनशिप में है, ये सुनकर दोनों ही काफी खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है जहां जुमेई छांग के पास आता है और इनडायरेक्टली उससे पूछता है तुम सेंगमा को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किए थे और कैसे पता चला कि वो तुम पर इंटरेस्टेड है या नहीं। पर छांग का तबीयत कुछ सही नहीं था तो वो उसे चुपचाप सो जाने कहता है, इसलिए जुमेई भी गुस्सा से उसे ब्लैंकेट ओढ़ने भी नहीं देता है और सुबह उठकर देखता है कि छांग को फीवर हो गया है। वही उधर सेंगमा परेशान थे कि इतना देर हो गया है अब तक से छांग ने उसे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया है।
उसके दोनों रूममेट उसे टीज करती है, क्या तुम अपने न्यूली बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हो। अब सेंगमा उनसे पीछा छुड़ाने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है, जहां उसका क्लास लीडर किसी मैटर पर उसे डिस्कस करने के लिए उसे मिलने कहता है। जहां वह कहती है, जब मैं फ्री रहूंगी तो तुम्हें बताऊंगी। तभी उसे अपने क्लब के एक टीम मेंबर से पता चलता है कि छांग के कुछ फैंस उसका फेम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना था कि सेंगमा इतनी टैलेंटेड है नहीं जितना छांग बताता है। ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। फिर उसे तभी छांग का कॉल आता है, जहां वो बताता है कि वो थोड़ा बीमार है तो वो बाद में बात करेगा। तब सेंगमा उसका अपार्टमेंट जाती है, जहाँ सेंगमा को देख छांग काफी खुश होता है। यहाँ वह सेंगमा से कहता है, विंटर सीजन में ऐसा शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनना, ठंड लग जाएगा। और अब क्योंकि सेंगमा के लिए भी ये काफी हार्ड था कि वह कंफर्टेबल होकर अपने बॉयफ्रेंड का केयरिंग कर सके, पर वो कोशिश कर रही थी। फिर छांग उसे दूसरे रूम में रेस्ट करने कहता है, ताकि उसे भी कोल्ड पकड़ ना ले। इसलिए वो भी दूसरा रूम जाकर अपना स्टडी करने लगती है, और पढ़ते पढ़ते उसका आँख लग जाता है। जब वो सोकर उठती है तो उसे भूख लगता है, इसलिए सामने कुछ स्नैक्स था जिसको वो अपने धुन में बस खाए जा रही थी। और हम देखते हैं छांग उसे देखकर हंस रहा था। वो छांग को देखकर काफी एम्बेरस फील करती है। फिर वो उसका फोरहेड टच करती है, और अब छांग का बुखार जा चुका था। सेंगमा उसे कहती है, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर मैं राइस बना सकती हूँ। लेकिन छांग कहता है, नहीं इसका जरूरत नहीं है। फिर उसे पूछता है, तुम्हें कौन सा स्नैक्स अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम वो मैं और ज्यादा लेकर आऊंगा। सेंगमा कहती है, नहीं मैं अपने शॉप से ले लूंगी। फिर छांग रेस्ट करने अपने रूम चला जाता है। कुछ देर बाद सेंगमा उसके लिए गर्म पानी ले जाती है। यहाँ छांग कहता है, तुम्हारा हेयर पिन गिर गया है, और वो खुद लगाने में उसका हेल्प करता है। तभी उसके वॉच में सेंगमा का हेयर फंस जाता है। अब बाल हटाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं। जहाँ सेंगमा कहती है, आई थिंक हमें पहले लाइट ऑन कर लेना चाहिए,